शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जिब्राइल फरिश्ते का रहस्यमय पत्थर या इब्रानी में हजौन जिब्राइल व इंग्लिश में रिवेलेशन ऑफ गैब्रियल कहलाता है। यह पत्थर या शिला लेख डेड सी या मृत सागर के पास से पाया गया था, जिसको स्विस इसराइली कलेक्टर डॉक्टर डेविड डेसेलसोन ने एक जॉर्डन मूल के प्राचीन कालीन वस्तुओं के डीलर से खरीदा था। इस पत्थर की कार्बन डेटिंग से यह पता लगा है कि यह पत्थर मसीह के जन्म से पहले लिखा गया था। सबसे पहले इस पत्थर की फोटोग्राफी अदा यर्देनी ने 2003 में की थी। इस पत्थर पर लिखावट इब्रानी या हिब्रू भाषा में है और इस पत्थर पर कुल 87 लाइनें लिखी हुई हैं। यह पत्थर बहुत से रहस्यों को खोलता है जो आज भी मसीह समाज में एक गुत्थी है, और मसीह समाज के लोगों को जब इससे रिलेटेड आयतों को वो पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इसका असल में मतलब क्या है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो आप कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होता है कि असल में मसीह बोल क्या रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 7 आयत। तब यीशुआ ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जब इस आयत को बहुत से मसीह पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि मसीह से पहले कौन से ऐसे लोग आए थे जिनको मसीह ने कहा कि मुझसे पहले जो लोग आए थे वो चोर और डाकू थे। बहुत से मसीह गलत तर्क भी लगाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद उनसे पहले जो नबी और पैगंबर आए थे मसीह ने उनके विषय में बोला है। एक ऐसी डॉक्ट्रिन भी हमें मसीहत में दिखाई पड़ती है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें ये खुलासा इस आयत पे बताया गया कि मसीह से पहले चोर और डाकू किनको कहा गया है। हालांकि वहाँ पर सिर्फ एक तुक्का था, एक कमज़ोर तर्क था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि लोगों को जो इसके ऊपर इंटरप्रेट करते हैं उन्हें इसराइल का इतिहास नहीं पता होता है और ना इन अल्फाजों का जिसका मसीह ने प्रयोग किया था कि उसकी इंटेंशन क्या थी। उसकी इंटेंशन थी जिब्रियल के या फिर गैब्रियल के इस रहस्यमयी पत्थर से। किस प्रकार से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिब्राइल का पत्थर जिसे कहा जाता है उसको पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि उसमें लिखा हुआ है कि इसराइल में 3 चरवाहे आएंगे जो इसराइल के मसीही होंगे। इसके विषय में ही मसीह ने बोला था कि जो मुझसे पहले आए थे वो चोर और डाकू थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह से पहले 2 शख्स आए थे, 2 लोग आए थे उनके जन्म से पहले, जिन्होंने ये कहा था कि वो इसराइल के प्रतिज्ञात उद्धार करता है। वो नजात हिंदे हैं और वो इसराइल के चरवाहे हैं। और इस पत्थर से जिसे जिब्राइल का पत्थर कहा जाता है, इनमें से वो 3 चरवाहे निकले। एक मसीह के बाद आया लेकिन 2 मसीह के पहले आए थे, जिन्होंने यहाँ तक भी दावा किया था कि जिब्राइल फरिश्ते ने उनमें से एक मसीह को 3रे दिन जिला दिया है। जी हाँ, मुर्दों में से जी उठने की बात सिर्फ यहोशुआ मसीह तक नहीं थी, इससे पहले भी एक ऐसा शख्स आया था जिसके बारे में ये दावा किया गया था, लेकिन ये दावा झूठा था क्योंकि मसीह से पहले जो आए थे 2 वो चोर और डाकू थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 शख्स कौन थे। उनमें से पहला शख्स था शिमोन ऑफ पेरिया, जो कि मसीह से 4 BCE में था। शिमोन पेरिया एक टाउन से बिलोंग करता था जिसका नाम था पेरिया, जो कि प्राचीन इसराइल में था। दूसरा था अमाउस नगर का रहने वाला एथरोनगेस, और तीसरा था जुडास, जो कि गलीलियो से बिलोंग करता था, लैंड ऑफ गलील से बिलोंग करता था। यीशुआ मसीह से पहले पेरिया के शिमोन ने खुद को इसराइल का राजा घोषित करा था। उसने हेरोद राजा के मरने के बाद उसके पुत्र हेरोद एरखुलिस के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूका था। उसने अपने सिर पर एक मुकुट पहना था, पर यह मारा गया था। इसके फॉलोवर या शागिर्द यह मानते थे, और ऐसा ही जिब्राइल के इस रहस्यमय पत्थर में भी लिखा हुआ है जो कि सो कॉल्ड है, जिसे हम सच नहीं मान सकते हैं, कि ये जो शिमोन पेरिया था, जो पेरिया टाउन से बिलोंग करता था, इसको जिब्राइल फरिश्ते ने 3रे दिन
मुर्दों में से जिला दिया था, ये एक झूठ था। फिर इसके बाद में एथ्रोनगेस द शेफर्ड था, जो अपने आप को चरवाहा कहता था। ये कहता था कि मैं अब्राहम, इसाक, याकूब व दाऊद की तरह चरवाहा हूँ। इसने भी हेरोद की मौत के बाद इसराइल में उसके बेटे हेरोद अरखिलस के विरुद्ध जंग लड़ी थी, पर यह भी जीत नहीं पाया था और बुरी तरह से ये डिफीट हुआ था। लेकिन फिर इसके बाद में 60वीं ईस्वी में, मतलब कि मसीह के 30 साल के बाद में, एक शख्स उठा था जिसका नाम था यूदास या फिर जूडस, जो कि गलीलियो से बिलोंग करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसराइल देश में 4 प्रमुख पंथ या फिरके थे। इनमें से 2 को आप जानते हैं, जो कि थे सदूकी और फरीसी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अलावा 2 और भी थे जिसका बोध, जिसका ज्ञान आपको नहीं है। एक थे इसेनेस, जिसे हिब्रो में इशीम भी बोलते थे। ये व्यवस्था को मानते थे, आत्मा के न्याय व उसके दंड पर भी इनका विश्वास था, और लेकिन ये नहीं मानते थे कि कोई भी मृतक व्यक्ति पुनरुत्थान कर सकता है या फिर से जी उठता है, जैसा कि मसीह जी उठे थे। लेकिन इसके बाद में एक बड़ा ही कट्टरवादी पंथ उठा था, उसका नाम था शिकेरियन जेलोस। इस फिरके का प्रमुख था यूदास गलीली, जो कि मंदिर के विध्वंस का कारण भी बना। यह इसराइली राष्ट्रवाद का एक पंथ था। इसने भी खुद को मसीहा बताया था। यह भी तथाकथित जिब्राइल के पत्थर की कहानी, जो कि एक धोखा मात्र है, उसको पढ़ करके ही मानता था कि मैं इसराइल को आज़ाद करा लूँगा, मैं दाऊद राजा की तरह इसराइल का एक चरवाहा हूँगा, मैं एक ऐसा लीडर हूँगा जो कि पूरे इसराइल को लीड करेगा और राजा दाऊद की तरह यहाँ पर अपनी सल्तनत को कायम करूँगा। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तभी मसीह ने भी बहुत अच्छी तरह से कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायास से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ते और तितर बितर कर देते हैं। मसीह ने इस इंटेंशन में बोला था कि उनसे पहले 2 शख्स आए थे। एक ऐसी बात थी जो लिखी गई थी, जिसके द्वारा 3 चरवाहे आने थे इसराइल में, जो कि एक फेक आइडियोलॉजी थी। एक ये झूठा पत्थर था, जो एक रहस्यमय पत्थर, जिसे बोला जाता है कि जिब्राइल फरिश्ता लेकर के इसको आया था, और इसमें से 3 चरवाहों की भविष्यवाणी लिखी हुई थी। ये एक ऐसा रहस्य था जो आज आपके सामने रिवील हुआ। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि चोर और डाकू का जो जिक्र किया है मसीह ने, बहुत सारे लोग नबी और पैगंबरों की तरफ चले जाते हैं और नबी और पैगंबरों की जो सीरत है या उनकी जो गलतियां कहीं ना कहीं उनसे हुई थी, उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं मसीह से। लेकिन जितने भी नबी हैं, जितने भी परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, उनका अपना कहीं ना कहीं रोल रहा है और वो मुकद्दस लोग हैं, वो कादोशिम हैं, वो पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर उनको एक इज्जत देता है, एक स्टेटस देता है। लेकिन मसीह समाज के लोग कम ज्ञान होने की वजह से उनको चोर और डाकू भी बोल देते हैं। और जिन्होंने खुलासा किया था कुछ दिन पहले इस आयत के ऊपर कि मुझसे पहले जो लोग आए वो चोर और डाकू थे, उनको इसराइल के इतिहास का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको इसराइल का अंदाज़ा नहीं है तो आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता है जो कुछ इसराइल में लिखा गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सबको शलोम।